कफन पे लिख देना ये मौला अली का दीवाना है। एक मतलब और मुझे बता दीजिए, अली वाले कितने बैठे हैं? नारे हैदरी, हैदर हैदर बोलेगा, अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, के हैदर हैदर बोलेगा, अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगे बिद्दत के पहरे फतवों की इस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। मैं गुजारिश करूंगा कि जितना ताउन हो सके उतना कीजिएगा, और इस कलाम में जो भी पैसा आएगा वो आपका दरगाह में जाने वाला है। जिस दिल में शाखे उल्फत हैदर खिली नहीं, उस दिल को कहीं सुकून की दौलत मिली नहीं। हमें तो जिंदगी
दिया उस जिंदगी पे लानत जिस जिंदगी में अली नहीं, जिस जिंदगी में अली अली क्योंकि इश्को मस्ती को आम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे, और जो भी है अली के दुश्मन उनका जीना हराम कर देंगे, उनका जीना हराम कर दे। हो जाऊं, लेकिन जो लोग नहीं है वो क्या कहते हैं, जो लोग पंजे तनी नहीं है वो क्या कह रहे हैं मौला अली से, या अली कर देना मुझे।
सामाई से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके आप सीधा झोली में ताउन कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी दोगे आप तो मैं झोली में ही डालने वाला हूं। ये कह देना मेरे मौला में आकर मैं हूँ इसका मुझ पर माला ली कर देना, मुझ बंद तरी कर देना, मुझ बंद तरी कर कदम निकले करबला जाके मेरा दम निकले, और अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, अपने बच्चों की जिंदगी मांगो जब भी अब्बास के अलम निकले। ये हमारे भाई की फरमाइश पूरी करना कर रहा है जो इन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको तहज में सुना रहा हूं। ये सारी जन्नत में रसूले अदली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पे जहरा, सुर्ख फूलों की डाली पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। कौमी एकता इस बज़्म में मुझे दिख रही है। मुशाक भाई, कौमी एकता के दो शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आज का जो माहौल, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूं कि खत्म हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, मेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते, और मादरे हिंद तेरा दूध पिया है हमने, हम तेरे साथ में गद्दारी नहीं कर सकते। उस्ताद भाई, ये चार मिसरे बड़े ही कड़वे हैं, लेकिन सच्चाई है। और हमारे हजरत इस महफिल में, जो मैं नाम नहीं जानता होगा, लेकिन वो मौला अली के रोजे पर जाकर आए हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैं इनकी आंखों का बोसा लेना चाहूंगा कि उस दर की जियारत इन्होंने की है। माशाल्लाह जी, तशरीफ फरमाए। चार मिसरे बड़े ही कड़वे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए, जुल्म को रोकने और हक को, हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए, और आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। आजकल एक नारा बड़ा
जोरों शोरों से ये लोग चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा काम है, लेकिन ये काम हमारे नबी ने 1400 साल पहले किया है। क्योंकि किवाड़ों में ये खाली तख्तियां अच्छी नहीं लगती, मुझे उजड़ी हुई ये बस्तियां अच्छी नहीं लगती, ताल्लुक बोझ लगता है तो कहते साफ गोई से, तेरे लहजे में ये सख्तियां अच्छी नहीं लगती। ताल्लुक बोझ लगता है तो कहते साफ गोई से, तेरे लहजे में ये सख्तियां अच्छी नहीं लगती, और उन्हें कैसे मिलेगी माँ के पैरों तले जन्नत, जिन्हें अपने घरों में बच्चियां अच्छी नहीं लगती। मलंगों की ज़बाँ पे कभी ताले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वो दिल काले नहीं होते, और भरे दरबार में मिसम ने बतला दिया दुनिया को, बातिल से जो डर जाए वो अली वाले नहीं होते। हसन हुसैन के बाबा तुम हो और जोहरा के शोहर, जोहरा के शोहर, जोहरा के शोहर, तुम सरताज हो सब बलियों के और दामाद पयंबर, दामाद पयंबर, दामाद पयंबर, मुश्किलें आसान आसा है अबू तालिब, मुश्किल आसा है अबू तालिब, मुश्किल आसा है अबू तालिब के जानी कर देना, मुझे पंच तनी कर देना, मुझे पंच तनी कर देना, पंच तनी कर देना, पंच तनी कर के गुरूरे फौजे सितंबर को तोड़ सकते हैं, रुखे फराद निगाहों से मोड़ सकते हैं, अली के बेटे हैं क्या जानते हो तुम इनको, अरे ये तो सूरज से भी पानी निचोड़ सकते हैं। मुशर भाई एक कलाम बड़ा फेमस हुआ था इस साल, मेरे बड़े भाई जनाब अनीस नवाब साहब का, बुलाऊं क्या अली को, वो कलाम ऐसी धूम मचा रहा है, मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहा है, और कई फिल्म स्टारों ने उसकी क्लिप बना करके भी छोड़ी है, सुना दूं आपको, सुनाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं ये पढ़ूं तो मुझे यहां से लेकर वहां तक जितने लोग नजर आ रहे हैं, यहां वालों को भी बोल रहा हूं और यहां वालों को भी बोल रहा हूं, सिर्फ 10 रुपए इस झोली में डालने जरूर आइएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि 100 डालो, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, नहीं, 10 रुपए तो हम लोग ऐसे ही पान मसाला खा के थूक देते हैं यार, 10 रुपए की क्या औकात, लेकिन अभी नहीं,
जब मैं ये बंद खोलूंगा तभी आना है आपको, वरना मेरा जो मेरी जो मेहनत है वो रंग नहीं लाएगी। अली अली के गुनाहगार जो होता है मुशाक भाई, भाई बैठ जाओ, भाई भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, पैसे का हिसाब सब बाद में कर लेंगे क्योंकि अली अली का विरोध हो रहा है। मुशाक भाई, गुनाहगार जो होता है तोहमत दार, उसको ऐसे पकड़ा जाता है, मुझे आपको एक्शन करके बतानी पड़ेगी। यहां से पकड़ते हैं या यहां से पकड़ते हैं, लेकिन हम पिछवाड़े से कभी नहीं पकड़ते, हम पीठ पर वार करने वालों में से लोग नहीं, हम छाती पर वार करते हैं। ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, बुलाऊं क्या अली को। कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं क्या अली को। जाएगा हर बार।
पार से इस पार बुलाऊं क्या अली को, पार से इस पार बुलाऊं क्या अली को। होती है सभी की दूर बदहाली, और अली से प्यार कितना है मेरे अल्लाह को देखो, अली के दुश्मनों को देख के दोजख बना डाली। हिसाब से भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि हमारे कमेटी मेंबर्स का हुक्म हुआ है मुझे। लेकिन अगर आप लोग मस्ती में हो, अगर इसमें ताऊन आएगा तो मैं पढ़ूंगा। मैं भी बड़ा चालाक हूं, हम भी गांव गांव फिरते हैं। बहुत से कवालों ने, बहुत से लोगों ने फतवा लगाया है कि अली को बुलाऊं, अली को बुलाऊं, लेकिन इस बात का खुलासा मेरे गरीब नवाज ने कर दिया। क्योंकि हर मुसीबत में हम लोग पढ़ते हैं कि बगर दाबे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफानो शिकस्तरा तो कुश्ती, बहक के खा जाए उस्मान हारू, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। हम अगर ये पढ़े तो गरीब नवाज मदद के लिए आते हैं। गरीब नवाज तुरंत फौरन आपकी मदद आती है, और इस बात पे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये वो ये वो, लेकिन जब गरीब नवाज ने इस बात का खुलासा कर दिया तो हम कहते हैं कि जब बेटे को पुकारो तो बेटा आता है, तो क्या हम बाप को पुकारेंगे तो नहीं आएगा? दीवाने पुकारेंगे तो आएंगे वो जरूर। कुर्सी जब हाथ में आती है तो पावर बढ़ जाता है।
बजेगा ये बजेगा, कुर्सी की बात है तो बजेगा ये, फिक्र करने वाली बात नहीं। लेकिन टाउन में आएगा बेटा, आएगा, अभी देख कैसा टाउन आता है, क्योंकि अच्छी अच्छी कुर्सियां गिर जाती है जब अली का नाम आता है, तो अच्छी अच्छी कुर्सियां गिर जाती है। अगर ये शेर पसंद आए तो एक मर्तबा समंदर की तरह उठकर आना है आपको, सिर्फ एक मर्तबा, इसके बाद नहीं बुलाऊंगा मैं आपको। कुर्सी आप लोग समझ गए होंगे कि कुर्सी की बात मैं कहां कर रहा हूं। कुर्सी पे अपनी इतना क्यों इतरा रहा है तू, खाजा जी
गरीब नवाज के दीवाने मतलब गुजरात के सेठ बैठे हैं, हम तो सेठ खिलाएंगे ना भाई, उनके नौकर हैं, क्योंकि कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन गरीब नवाज का दीवाना सेठ बनेगा, बनेगा ना। तेरे कदम से आज मेरी जगमगाया है, तेरे दयार से वलियों ने फैज पाया है। ये बात सच है के भारत के सारे वलियों में मदीने वाले ने प्रमुख तुम्हें बनाया है। या गरीब नवाज मोरे ख्वाजा जी, तूने चाहा जिसे सुल्तान वही बनता है, सखी बनता है, तू नजर डाल तो कंगाल सखी बनता है, तूने चाहा जिसे सुल्तान को ही बनता है। या गरीब नवाज, एक मरतबा नारा लगा दीजिए, हक मोइन हक मोइन, कि तूने चाहा जिसे सुल्तान वही बनता है, तू नजर डाले तो कंगाल सखी बनता है। ख्वाजा तेरी अजमत की बुलंदी को सलाम, तेरी ठोकर से तो गुनहगार वली बनता है, तेरी ठोकर से तो गुनहगार वली बनता है। अपने उर्स का न्योता भेज देता है, उससे पहले वो किराया भेज देता है। एक नजर मेरी खस्ता हाली पर, या गरीब नवाज, सुना है तू गरीबों को मदीना भेज देता है। हमारे मुश्ताक भाई बड़े खुश नसीब है, ये इनके जैसा नसीब तो हमारा भी नहीं है कि पिछले 10 साल से लगातार छठी भर रहे हैं, सिर्फ 2 छठी गई है, मतलब 12 महीने के अंदर 2, बाकी 9 साल तो मुसलसल मुकम्मल हुई है, बड़े नसीब की बात है।
ऐसे नसीब हमारे नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हें ता कयामत तक, तुम्हारी जब तक जिंदगी है तब तक छठी भरते रहे और आपके काम आसान होते रहे। कलाम में तब मजा आएगा जब आप लोग सब इधर आओगे और अपने दोनों हाथों से झूमोगे, बल्कि नाचोगे नहीं, सिर्फ झूमोगे। क्योंकि कई मर्तबा हमको झेलना पड़ता है कि आप नचवाते हो, भाई हम नचवाते नहीं है, ये इश्क में दीवाने झूमते हैं। और यहाँ वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आ सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ वालों को नहीं कह रहा हूँ। अजीम भाई पोशाक में अगर आप आओगे तो सब आ जाएंगे। से छठी बढ़ रहे हैं, जब गरीब नवाज के दरबार में पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? देते हैं अजमेर के वाली, सबने पाया है, सबसे
राजा ने बुलाया माशाल्लाह 8,750 रुपए टाउन आया है सुभान अल्लाह। और उसी के अंदर किसी की ये दवाई की पर्ची भी आ गई है पैसों में, तो अगर जिस किसी की जरूरत की चीज हो तो ले जाए। यहाँ पर मैं किसी कमेटी मेंबर्स को दे देता हूँ ये। I'm not afraid.